सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज आपके लिए हम ला चुके हैं एप्लीकेशन जो आपको 10th या 12th में आपको आता है, बोर्ड पेपर में एप्लीकेशन पूछता है। तो आज आपको हम बताने वाले एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और स्कूल पे प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए हम बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बना रहेगा एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी लोग इससे आसानी से पढ़ सकें। तो एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिखा रहा होगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है टू, टू लिखने के बाद आपको कॉमा देकर नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, उसके बाद थोड़ा स्पेस करके नीचे फिर लिखना है अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है कि मतलब किस चीज़ पर आप छुट्टी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सब्जेक्ट लिखा है लीव फॉर 5 डेज ऑन सिस्टर मैरिज अकाउंट ऑफ माई, यानी कि मैंने लिख दिया है मेरे सिस्टर का शादी है इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ बीमारी भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं जो आपको हो गया हो। उसके बाद नीचे फिर स्पेस करके लिखना है रिस्पेक्टेड सर लिखना है या किस रिस्पेक्टेड सर होगा सर, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपनी क्लास का नाम लिख रहे हैं एंड आई एम मैरिज हर आर माई मैनी माई रोल नंबर इज, अपने रोल नंबर लिखना है। फिर सिस्टर इज फेलिंग, सिस्टर का लिखना है शादी कब होगा एंड वर्क एट होम द वूल एनिमली इज बिजी विथ एंगेजमेंट सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल डेरिंग दीज डेज। उसके बाद आपको थोड़ा स्पेस करके फिर से लिखना है कैंडली ग्रैंड मी लीव, आपका वो दिन लिख देना है किस दिन को आपको लीव लेना है। तो हम यहाँ पर दिन डाल दिए हैं 15/4/2023 से लेकर के फॉर 5 डेज के लिए, यानी कि 1/4/2008 तक हम पूरा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर स्पेस करके लिखना है थैंक यू और राइट, थैंक यू लिखने के बाद आपको राइट में लिखना है योर ओबीडियंटली, उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग स्कूल में लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो अपना नाम लिखिएगा, अगर आप लोग बोर्ड पेपर में लिख रहे हैं तो नाम की जगह पे आप लोग XX करके लिख सकते हैं क्योंकि बोर्ड पेपर में नाम नहीं लिखा जाता है। तो चलिए, इतना ही था वीडियो में, आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा एंड ऑल द बेस्ट आज के पेपर के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।